मतलब हम उस देश के वासी हैं जो हिमालय द्वारा सुशोभित है, जिसके पैर समुद्र के द्वारा धोए जाते हैं और जो कई राजऋषियों और ब्रह्म ऋषियों से पूर्ण से भरा है। ऐसी मेरी भारत माता को मेरा अभिवंदन। नमस्कार, सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस पावन अवसर पर बोलने का मौका देने के लिए मैं भाविशा प्रशांत कब ने कक्षा 4 आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हम आजादी का 77वां उत्सव मना रहे हैं। भारत के इतिहास की बात की जाए तो यह लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल है। ये ज्ञान विज्ञान और समृद्धि से सजा है। शौर्य, अध्यात्म और कलाकारी से झलकता हुआ हमारा इतिहास है। किंतु कुछ समय पश्चात अंग्रेजों ने भारत को बेड़िया पहनाई। अनेकों साल हमने गुलामी में जिंदगी बिताई। देश के वीरों से ये बात देखी नहीं गई। तब सब एक हुए, किसी ने शस्त्र उठाए तो किसी ने अहिंसा की बात उठाई। सभी ने राष्ट्रहित को जीवन से ऊपर रखा। अपनी सारी खुशियों और इच्छाओं की बलि देकर हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी दिलाई। जाते समय अंग्रेज कह कर गए थे कि हमारे जाते ही तुम्हारा देश बिखर जाएगा, पर उन्होंने ये नहीं सोचा था कि भारत देश सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। यहाँ कभी पाठशाला में भगवद गीता भी पढ़ाई जाएगी और पहले ही प्रयास में भारत मंगल ग्रह तक पहुंच जाएगा। आज भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यह एक है, अखंड है। अंतरिक्ष अनुसंधान और औद्योगिकरण में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आने वाले हर स्वतंत्रता दिवस पर और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। किंतु देश में आज भी कुछ ऐसा होता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम इस इतिहास और बलिदान को भूले तो नहीं। हमारे देश की अखंडता, समृद्धि और संस्कृति को बरकरार रखने की हम सबकी जिम्मेदारी है। इसे संभालने के लिए हमें खुद से शुरुआत करनी होगी और शपथ लेकर कहना होगा कि मेरे सामने कोई कभी भी भूख से नहीं मरेगा, मेरे रहते अन्याय से कोई नहीं डरेगा। मैं पहले उसका जिसकी तत्काल मदद करनी है, अपने आगे हर पीड़क की हर पीड़ा हरनी है। शपथ ग्रहण कर आजादी का उत्सव आज मनाते हैं, देश बुलाता है। आओ कुछ काम तो इसके आते हैं। धन्यवाद। वंदे।